अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, यूट्यूबर कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ, ये देखो मोटरसाइकिल है और ये ऊपर बोतल लटकी हुई है, तो मैं लेने जा रहा हूँ पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की काफ़ी किल्लत हो चुकी है, तो पेट्रोल मिलना मुश्किल नहीं अब नामुमकिन है। मैं पहले भी आया था लेने पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल नहीं दिया, तो अभी जा रहे हैं पम्प पर, तो वहाँ से लेते हैं पेट्रोल, अगर पेट्रोल मिल गया तो ठीक, वरना चलते हैं अगले पम्प पर। आज पेट्रोल लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि जानवरों को घास डालना होता है, फिटर चलाना होता है, तो मुश्किल है, वरना जानवर भी भूखे मर जाए। तो आप चलते हैं, चल के पता करते हैं, अगर ये देते हैं तो ठीक है, वरना फिर चलते हैं अगले पंप पे। तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए ये आ गया, तो इस पंप पे हम पता करते हैं, अगर ये देते हैं तो ठीक, अगले पंप, इन इस पंप से तो हमें पेट्रोल मिला नहीं, तो चलो आप चलते हैं अगले पंप पे, वहाँ से चल के डलवाते हैं, शायद हो जाए उस, शायद उससे मिल जाए। चलो चलते हैं देखते हैं। आज मैनाकोट में चलते हैं सफर, चलते हैं आप कैसे, अभी चलते हैं, काफ़ी तरह दूर है, चलते हैं शायद दो दे दें, चलो काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा सा टूर करते हैं मैनाकोट का। मैनाकोट दिखा दिए, ये बहुत कदीमी शहर था, यहाँ पे हिंदू सिख ईसाई रहते थे, लेकिन अब जो है वो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त जो है ना वो उठ के चले गए हैं, कुछ इंडिया में, कुछ लाहौर में, तो इस तरह बांट गए हैं, वो बट गए अलग अलग ज़िला में। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो इधर मैं शहर में आया हूँ, ये देखें ये बाजार गली है, यहाँ पे बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ते हैं हमारे, तो मैंने यहाँ से एक बच्चे को लेने ट्यूशन पर, तो अभी उसको बच्चे को लेते हैं और चलते हैं फिर पापा पे, तो आपको चलते हैं आपको दिखाते हैं, कभी यहाँ से बच्चे को रिसीव करते हैं। तो ये देखें अभी मैंने बच्चों को रिसीव कर लिए, अभी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, ये बच्चे मेरे साथ हैं पीछे, तो ये इनमें से एक दो बच्चे हमारे हैं, तो मैं इनको साथ लेता हूँ और यहाँ पे पेट्रोल का भी पता करता हूँ, क्योंकि आप पेट्रोल लेना तो बड़ा ज़रूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो नहीं मिलनी, अभी चल के स्टोर पे हम कोलोबोमेट और थर्मोमेट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी इस बाज़ार शॉप से नहीं मिली तो चल दूसरी शॉप पर चलते हैं। तो अभी बच्चा अंदर गया है, ये मेडिकल स्टोर है ऊपर, तो इस मेडिकल स्टोर से पता करता है, अगर इधर से मिलती है तो फिर आगे चलते हैं और लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल भी लेना है तो इधर से बाजार से कोलोबोमेट और थर्मोमेट। तो एक लगता है मिल गई है, क्योंकि स्टोर वाले ना वो खड़ा हुआ है, तो अभी मिलती है तो चलते हैं। ये देखिए पीछे नैनाकोट है और वो गाड़ियाँ मिट्टी ट्राली ट्रैक्टर जा रही है, इस वक्त मैं शहर में खड़ा हूँ नैनाकोट का शहर, ये बड़ा कदीमी शहर है यार और बहुत खूबसूरत है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, नायत और महाजर लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो जो टूप है वो देखें, वो टूपा टूप लेके आ गया। तो ये देखें ये थर्मोवेट और कोलोबोमेट दोनों इस वक्त ले लिए, तो चलो चलते हैं आगे पेट्रोल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब पेट्रोल तो हमने ले लिया, ये देखें ये बोतल में पकड़ के बैठा है, तो पेट्रोल हमने ले लिया है जनाब, ये 500 रुपये का चेक कर ऊपर करें वाली बात, ऊपर कह रहे बोतल, ये देखें जनाब ये 2.25 लीटर की बोतल है और ये 500 रुपये का हमने तेल लिए, देख ले पूरी बोतल भिड़ी हुई, इतनी महंगाई है, ये 500 रुपये का तेल लिया और एक बोतल भी पूरी नहीं भरी, तो 293 रुपये लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान में। तो आप सोच लें कि वक्त कैसे गुजार रहे हैं लोग, गरीब इंसान जिनका कारोबार नहीं है, तो वक्त कैसे गुजार रहे हैं, मुश्किलात के हालात का सामना करके वो मजदूरियाँ करके वो अभी अपना घर का सरकर चला रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं बाज़ार में, अभी हम मोटरसाइकिल पे हैं तो ड्राइविंग भी कर रहे हैं, काफ़ी वक्त बढ़ते हैं आगे, ये देखे ये रोड के हैं, तो चलो बढ़ते हैं आगे, तो वहाँ पे मैं एक छली लेता हूँ खाने के लिए, बहुत शौकीन हूँ मैं छली खाने का, चलो एक छली लेते हैं, चल ब्रो करते हैं। अभी इधर स्टैंड का पता करते हैं पेटियों के, जाना को ये हम आ गए प्लम्बरी वाली दुकान पे, साजी स्टैंड यार स्टैंड स्टैंड शाहद आबाद का बच्चा नहीं पेटी है ना, क्या पता कर, तो इधर हम स्टैंड का पता करवाते हैं, स्टैंड मिलता तो वो लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आए तो दिन अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, पेट्रोल भी बड़ा मुश्किल से मिला और ये स्टैंड भी उठाना था इस दुकान से,
तो इस दुकान से स्टैंड भी मिला, तो चलो आगे छली लेते हैं, हालांकि वो मिल जाए। अभी हम आ गए हैं ये छली वाली दुकान पे, यहाँ पे छली का, और कैमरा धूप पड़ी है तो कैमरा का रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तो ये देखिए ये छलियाँ बना रहे हैं भाई, तो यहाँ से हम एक छली लेते हैं और फिर चलते हैं घर, चल के काम करते हैं और भी दिखाते हैं, क्योंकि अभी घास काटने दोपहर के 4 बजने वाले हैं। तो बढ़ते हैं के तो खान कितने की छली है यार? 50 रुपए की, क्योंकि चंगी जी काट रहे हो यार, चंगी कटे हो जरा बड़ी छली, यहाँ को एक छली लेनी है तो चलते हैं फिर आगे। 50 रुपए की ये छली दे रहे हैं, अब छली भी इतनी महंगी हो गई है, जहाँ 20 रुपए की पिछले साल मिलती थी, अब 50 रुपए की छली मिलती है, ये है महंगाई का हाल। तो लो अब छली बन गई है, वो देखे खान अब मुझे छिलके में पैक करके देंगे, गर्म होती है ना, तभी ताज़ी फौरन निकालिए। तो ये लिए हमने छली, तो पढ़ते हैं आगे। अब